मेरे बाल काफी झड़ गए थे, मेरे सर के बाल। जब मैं अपने आप को देखता था तो अच्छा फील नहीं होता। मुझे 5 महीने भी नहीं हुए हैं कंप्लीट करवाए ट्रांसप्लांट को, मेरे बाल काफी अच्छे हैं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र है। काफ़ी टाइम पहले 2014-15 के आसपास जो है मेरे बाल काफ़ी झड़ गए थे, मेरे सर के बाल। जब मैं अपने आप को देखता था तो अच्छा फील नहीं होता था। कई बार जब पार्टी में या एंजॉय के लिए कहीं जाते तो कई लोग कहते थे कि यार आपके तो बाल बड़े जल्दी झड़ गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था सब कुछ। उसके बाद में काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर करीब 2 वर्ष पहले मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त है सुखवीर, वो भी मेरे साथ ही जॉब करता है, तो उन्होंने बताया कि मैंने भी ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने उनके बाल देखे तो उसके बाल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाल जो थे पहले काफ़ी वो बिल्कुल गंजा हो चुका था ऊपर से, उसके बाद में मैंने उससे मेरी मुलाकात हुई पीछे तो उसने मैंने देखा कि यार तेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं, तो वो हंसने लग गया, कह रहा कि यार अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी। मैंने कहा यार मेरा भी करवा दे। डॉक्टर नवनीत सर के बारे में मुझे बताया GK में जो उनका हॉस्पिटल है, तो मैं उनसे आकर यहाँ पे हॉस्पिटल में मिला, तो मिलने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ पेनलेस प्रक्रिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब प्रोसीजर चलता रहा। उसके बद में उन्होंने मेरे लिए मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर थी 23 नवंबर को। 23 नवंबर को मैं ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आ गया था। ट्रांसप्लांट जो है प्रक्रिया शुरू हुई, बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। आफ्टर ऑल अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। मैं उसके ट्रांसप्लांट के 12 या 15 दिन बाद ही मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आफ्टर ऑल आप देख सकते हो मेरे बाल करीब मुझे 5 महीने भी नहीं हुए हैं कंप्लीट करवाए ट्रांसप्लांट को, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। और मुझे अभी कोई नहीं कहता कि आप गंजे हो, जो कहते थे वो लोग भी भूल गए कि मेरे कभी बाल उड़े हुए थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे पेशेंट ही क्यों ना हो, BP शुगर या जो भी है उसमें भी दिक्कत नहीं होती, आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह एक पेनलेस प्रोसीजर है, वेल एक्सपर्ट यहाँ पर स्टाफ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको भी हेयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी डॉक्टर हेरोर वेलनेस सेंटर GK1 आकर अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर हेरोर फॉर चेंजिंग माई लाइफ माई लुक। थैंक यू।